हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ कोमल। गाइस, इस वीडियो में आज हम इस स्टाइलिश से हैंगिंग ईयरिंग्स बनाएंगे एंड इन्हें मैं बड़े ही इनएक्सपेंसिव वे में बनाऊंगी। जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं उन्हें इतना तो पता ही है, ऑलमोस्ट जो भी डीआईवाईज करती हूँ वे बड़े ही इनएक्सपेंसिव वे में ही करती हूँ और बड़े ही इजी तरीके से उसे बनाती हूँ। और जो जो मैं इसमें मटेरियल्स वगैरह यूज़ करूँगी वो मैं आपको साथ के साथ बताती चलूँगी। ठीक है गाइस, तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो ऑलरेडी शुरू कर चुकी हूँ मैं। तो गाइस, स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड यूज़ किया है एंड फैब्रिक यूज़ किया है। फैब्रिक हमारा जो भी हम ड्रेसेस वगैरह स्टिच कराते हैं तो उसमें से जो भी फैब्रिक बच जाता है या फिर आप कह लो कि जो भी कतरे बच जाती हैं तो उनको आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। और कार्डबोर्ड के लिए मैंने जो है हल्दीराम का मिठाई का डब्बा होता है वो यूज़ कर रही हूँ। ऑलमोस्ट मैं अपनी सारी वीडियोज़ में उसी डब्बे को यूज़ करती हूँ। उसे मैंने काट काट के इतना छोटा कर दिया है कि वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है, पर मैंने उसका एक और डब्बा जो है बचा के रखा हुआ है गाइस, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं शायद उसी को यूज़ करूं। ये तो मैंने हंसी मजाक में कुछ अपने टॉप सीक्रेट्स आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अब बात करते हैं मिरर्स की। ये देखिए, मैंने फैब्रिक ग्लू की हेल्प से इस तरीके से मिरर्स जो हैं पेस्ट कर दिए हैं। बीच बीच में मैंने इसमें स्टोन्स भी लगाए हैं। देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन जो है हमारा बनकर तैयार हो गया है। मैं क्या करती हूँ गाइस, एक बार में ही पहले फैब्रिक ग्लू लगा लेती हूँ और उसके बाद जो है फिर स्टोन्स या मिरर्स पेस्ट कर देती हूँ। इससे क्या होता है कि हमारा टाइम जो है वो वेस्ट नहीं होता। बीच बीच में अगर हम हाथ चेंज करते रहेंगे, एक बार मिरर एक बार फैब्रिक ग्लू, इससे जो है टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। अगर कम काम हो तो आप एक बारी में इस तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए, सूखने के बाद ये हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसी तरीके से मैंने एक छोटा सर्कल भी जो है तैयार कर लिया है। यहाँ पर मेन बात ये है कि बड़े वाला सर्कल जो है मैंने 5 सेंटीमीटर पे कट किया था, तो छोटे वाला सर्कल मैंने 2.5 सेंटीमीटर पे कट किया है। यहाँ मैं वायर की हेल्प से आई पिंस बना रही हूँ ताकि मैं इन दोनों सर्कल्स को आपस में कनेक्ट कर सकूँ। इन आई पिंस को मैं आगे भी अलग तरीके से यूज़ करूँगी, वो आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। एंड गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। देखिए, आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से ही हमें पता चलता है कि आप हमें और हमारे काम को कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं। देखिए, काम तो हमें फिर भी करना है, लेकिन अगर कोई लाइक करता है सब्सक्राइब करता है तो उससे जो है दिल थोड़ा ज़्यादा खुश हो जाता है, एक एनर्जी आ जाती है। बाकी काम तो हमें फिर भी करना ही है। देखिए, ये बोलते हुए भी मेरी एनर्जी कितनी डाउन हो रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि मुझे आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए गाइस, दोनों सर्कल्स जो है मैंने आई पिन से कनेक्ट कर दिए हैं। अब मैंने यहाँ पे घुंघरू लिए हैं और जंप रिंग्स लिए हैं। अब एक जंप रिंग में हम दो घुंघरू इस तरीके से ऐड कर देंगे। देखिए, आप चाहें तो यहाँ पे तीन या चार घुंघरू भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें जो है लुक थोड़ी सी ओवर सी आती है और जो घुंघरू है वो लाइट वेट नहीं रहता, हैवी हो जाता है और लुक जो है वो हमारी सेम ही आती है। अब इस तरीके से वायर की आई पिंस बनाकर हम इसमें घुंघरुओं को अटैच कर देंगे। इस तरीके से हमें पांच जो है ये तैयार करने हैं। देखिए कितने अच्छे से ये मूव हो रहा है। अब हमें इसे ईयरिंग्स के साथ अटैच कर देंगे हॉट ग्लू की हेल्प से। ये देखिए, हमारा ईयरिंग्स बस तैयार ही होने वाला है कि बस एक दो लास्ट स्टेप और करके हम इसको फुल फिनिशिंग दे देंगे और हमारा ईयरिंग्स बस बनकर तैयार हो जाएगा कितने कम टाइम में, और वो भी वेस्ट मटेरियल से। और देखने में ईयरिंग्स बिल्कुल भी नहीं लगेंगे कि आपने है ना किसी वेस्ट मटेरियल से बनाए हैं। अब हम इसमें ऊपर से थोड़ा सा और हॉट ग्लू लगाएंगे ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए। बाकी आप चाहें तो इन्हें स्टिच भी कर सकते हैं अगर आपके पास हॉट ग्लू वगैरह नहीं है या फिर आप इसे यूज़ नहीं करना चाहते। स्टिच करने के काफ़ी सारे तरीके जो है मैंने अपनी और वीडियोस में बताए हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उनमें ये वीडियोस मिल जाएंगी। अब फिनिशिंग के लिए यहाँ पर मैं इसमें फैब्रिक पेस्ट कर दूँगी और यहाँ मैं इसमें स्टड हैट पिन अटैच कर दूँगी। स्टड हैट पिन अगर आपके पास नहीं है तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो चाहे तो आप ऊपर आई बटन पर देख सकते हैं हाउ टू मेक स्टड हैट पिन। फिर इसे भी आप इजीली घर में ही बना लेंगे।
चलिए गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, यूजफुल लगी हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और आप चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर दें। साथ में नोटिफिकेशन बेल बटन को जरूर हिट करें ताकि आप मेरी लेटेस्ट वीडियो से अपडेट होते रहें। टिल देन बाय, टेक केयर गाइस।